लंबे समय के बाद आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में, विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ईडीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूंगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर एसपी हो या कमिश्नर आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।